बाकी अजीत भाई अभी गाड़ी चला रहे हैं, ये देख सकते हो। और बाकी आप लोगों दोस्तों कमेंट आ रहा था कि अजय भाई गाड़ी आपकी है या किसी और की। इस ट्रक को क्या हो गया है भाई साहब, वो पूरा टायर ही फट गया है। स्टेयरिंग देख सकते हो, मैंने इसको इधर कर दिया है, नहीं तो ये ना भाई पूरा ऊपर साइड में रहता है, एकदम खड़ी टाइप का रहता है। आप लोगों को पता ही होगा जो टाटा का गाड़ी चला रहे होंगे, और टाटा का गाड़ी बेस्ट गाड़ी है मेरे हिसाब से। तो एक तो कमेंट आ रहा है कि पिछला वाला गाड़ी को क्यों छोड़ दे जो शाम चलते थे, वो वाला गाड़ी थोड़ा सा मजबूरी को। मैं तो दोस्तों बढ़िया बासी बोर के खाऊंगा, क्योंकि चावल एकदम गर्म हो गया है और मस्त। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ भाई बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत करता है आप लोगों का अजय भाई। तो दोस्तों इस समय हम लोग सिमगा पार कर चुके हैं, बाकी नाइट में हम लोग रुके हुए थे, घर पे आके रुके थे करीबन 2:30-3 बजे। उसके बाद में अभी नहा धो के खा पी के निकले हैं घर से। बाकी दोस्तों अभी अभी हम लोगों का यहाँ से सफ़र बचा हुआ है 60-70 किलोमीटर। और आप लोगों को पता ही होगा कि मैं बिलासपुर का लोड किया हूँ माल, जो लोड किया हम लोग बिस्किट लोड किए थे, जो कि आज वो खाली हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि नो एंट्री का माल है ऐसे तो। और पार्टी वाले से मैंने पूछा कि क्या कहते हैं खाली हो जाएगा ना, तो बोल रहा है खाली हो जाएगा, आ जाओ 12 बजे 12:30 बजे खुल जाता है नो एंट्री, और 3 बजे लग जाता है। तो देखते हैं, एक आध घंटा में अगर खाली हो जाएगा तो निकल जाएंगे, नहीं तो फिर नाइट तो वही 10-11 बजे खुलेगा नो एंट्री, उसके बाद में निकलेंगे, है ना। तो कुछ ऐसा इसका सिस्टम है। बाकी अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं, ये लिमतरा पार कर चुके हैं, नांदघाट की क्या कहते हैं ये अपना ओवरब्रिज पार करेंगे ना, नदी पार करेंगे, उसके बाद में आगे नांदघाट पड़ता है। तो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 60-70 किलोमीटर और बचा हुआ है। बाकी देख सकते हो इधर की खूबसूरती, पूरा रेती को पूरा अभी जमा करके रखे हुए हैं, है ना, ये देख सकते हो, क्योंकि बरसात में महंगी हो जाती है ना रेत सब, तो पूरा रेत का पूरा यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं, इकट्ठा करके रखे हुए हैं, और सब रेत ये इसी का ही है। ये देख सकते हो ये नदी का पूरा रेत है, ये नदी देख रहे हो पूरा इसी में का रेत पूरा निकाल निकाल के अभी स्टॉक कर दे रहे हैं, क्योंकि बरसात में ये महंगा में बिकता है। अभी वही 4500 रुपये ट्रिप में बिक रहा है, तो वही फिर क्या कहते हैं 5000-6000 में बिकेगा बरसात के समय में। बाकी ये देख सकते हो बढ़िया पुलिया मस्त बना हुआ है, पहले वो वाला पुलिया था वो थर्ड वाला पुलिया पुराना पुलिया, अभी तो डबल पुलिया बना दिया है बढ़िया, देख रहे हो। बाकी अजीत भाई अभी गाड़ी चला रहे हैं, ये देख सकते हो। तो चलते हैं भाई, अभी पहुँचते हैं, देखते हैं खाली कितने टाइम तक हो जाता है। बाकी अभी तो 10 बज चुके हैं, 2 घंटा और लगेगा हम लोगों को पहुंचने में यहाँ से, धीरे धीरे जाएंगे तो अगर मैक्सिमम अगर 60-70 स्पीड में जाएंगे तो 1.5 घंटा में पहुँच जाएंगे। यहाँ से 51 किलोमीटर दिखा रहा है, अब 60-70 किलोमीटर बोल रहा हूँ तो 1 ही घंटा लगेगा ज़्यादा ज़्यादा। तो चलते हैं, निकलते हैं अभी यहाँ से। मैं घर से ये वाला क्या कहते हैं कम्बल मैंने ले लिया, ये पड़ा हुआ था तो गाड़ी में बिछाने का काम देगा। पीछे में ये जो चद्दर का है ना ये वाला, इसको भी क्या कहते हैं इसमें भी ऐसे ही वाला डाल देंगे, ऐसा वाला, तो क्या है गरम गरम जो लग रहा है वो गरम गरम नहीं लगेगा, है ना। तो दोस्तों अभी हम लोग भजपुरी टोल प्लाजा पहुंच चुके हैं, ये देख सकते हो भाई। तो अभी इसको पार करते हैं, बाकी अभी तो बजे हैं भाई 11 बजे हुए हैं, अभी 1.5 घंटा और 1.5 घंटा के बाद में नो एंट्री खुलेगा बिलासपुर का, है ना। तो चलते हैं। और बाकी आप लोगों को दोस्तों कमेंट आ रहा था कि अजय भाई गाड़ी आपकी है या किसी और की, तो वीडियो के लास्ट में आप लोगों को मैं बताऊंगा गाड़ी मेरी है कि दूसरे की है, है ना। बाकी आप लोगों को कमेंट आ रहा था इसके वजह से मैं भाई बता दे रहा हूँ। बाकी यहाँ से भी टोल प्लाजा कट गया हम लोगों का, कितना रुपए कटा है यार समझ में नहीं आया, ज़्यादा ही कटा होगा क्योंकि LCV गाड़ी नहीं है ना ये। तो आप लोगों को ना लास्ट में पता चलेगा ब्लॉग के लास्ट में मेरी गाड़ी है या दूसरे की गाड़ी है। तो अभी हम लोग भजपुरी टोल प्लाजा पार कर चुके हैं और पहुँचते हैं बिलासपुर, 12:30-12 बजे घुस जाएंगे और खाली हो जाएगी दिन में, तो दिन ही में निकल जाएंगे नहीं तो फिर नाइट में ही निकलेंगे। इस ट्रक को क्या हो गया है भाई साहब, वो पूरा टायर ही फट गया है, टायर निकल के ना
टायर ही निकल गया है, मतलब उसका पूरा एक साइड पूरा दब गया, टायर निकल के फिर गया भाई, किधर गया पता नहीं, होगा वहीं आसपास ही। बाकी हम लोग अभी पहुंच गए हैं बिलासपुर बाईपास में, जो बिलासपुर बाईपास के लिए जो रास्ता कटता है ना वो वाला, और सीधा सीधा अगर चले जाएंगे ना ओवरब्रिज जो दिख रहा है आप लोगों को, ये ओवरब्रिज है, सीधा सीधा अपने को ले जाएगा चांपा, जांजगीर चांपा शक्ति तरफ लेके जाएगा, रायगढ़ भी जाएगा यही रोड। बाकी हम लोग तो वही कट जाएंगे इधर लेफ्ट साइड कट जाएंगे, आगे से फिर सीधा निकल जाएंगे। ये देखो ये सब कैसे रॉन्ग साइड से आ रहे हैं भाई साहब, हैं इस साइड से भी गाड़ी चल रही है, उस साइड से भी गाड़ी चल रही है, आदमी ले जाए तो ले जाए किधर ले जाए, हैं उस साइड से जाना चाहिए ना घुमा के, लेकिन नहीं ये लोग भाई इसी साइड से ही आएंगे, और कुछ हो गया तो फिर बोलेंगे ड्राइवर को ही, गलती अपनी नहीं देखेंगे भाई ये लोग पता है। यहाँ से पुलिया से भी नीचे जाके उधर रास्ता है, लेकिन उधर से नहीं जाएंगे, इधर ही से ही आना जरूरी है लोगों को। ऊपर से ही बन गया है रास्ता पूरा बढ़िया, ये सकरी बाईपास, चलते हैं सीधा हम लोग। बच चुके हैं दोस्तों 12, तो यहाँ से अभी निकलते हैं, आगे में पुलिस लोग खड़े होंगे, 12:30 बजे छोड़ेंगे, लेकिन अपन 12 बजे ही चल देते हैं यहाँ से, क्योंकि 10-15 मिनट का सफ़र तो हम लोगों का यहाँ से भी रहने ही वाला है ना, तो अभी निकलते हैं चलते हैं। ये सब गाड़ियाँ भी देख लो जा रही है, CG 10, अपनी तो CG 7 है ना, तो निकलते हैं अभी यहाँ से। तो आ चुके हैं भाई बिलासपुर, और यहीं पर नो एंट्री लगता है, देख सकते हो इधर सिरगट्टी बाईपास है ये वाला अपना, और ये अपना बिलासपुर शहर चालू हो गया यहाँ से। तो अभी आगे हम लोग जाएंगे, उसके बाद में ओवरब्रिज चढ़ेंगे, फिर उतरेंगे, फिर उसके बाद में व्यापार बिहार वाला रास्ता हम लोगों को मिल जाएगा। बाकी पार्टी वाले लोकेशन भी भेज दिया हम लोगों को, तो लोकेशन के हिसाब से चले जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत दिन हो गया ना व्यापार बिहार गया नहीं हूँ, याद नहीं है, फर्स्ट टाइम गया था एक बार बस, वो भी 3-4 साल पहले ऐसा टाइप का। तो देखते हैं चलते हैं, अभी तो पूरा सिटी घुसना पड़ेगा हम लोगों को। नो एंट्री खुल गई है, तो देख रहे हो सब गाड़ी सब निकल रही है इधर उधर से, नहीं तो फिर रुकी रहती है। अब देखो गाड़ी हम लोग की खाली हो जाएगी 3 बजे से पहले पहले, तो हम लोग निकल भी सकते हैं, अगर नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो व्यापार विहार के लिए दोस्तों हम लोग घुस चुके हैं, बाकी पुलिस वाले लोग रोका था यहाँ पर, पैसा दो भाई खर्चा पानी दो ऐसा कह के, क्या ही कर सकते हैं। तो आ चुके हैं दोस्तों व्यापार बिहार में घुस चुके हैं, ये देख सकते हो सामने, अब यहाँ से व्यापार बिहार वाला रास्ता चालू, अपना एरिया चालू हो गया, मैप के हिसाब से जा रहे हैं हम लोग। तो व्यापार बिहार तो हम लोग पहुँच चुके हैं, और गाड़ी भी अनलोडिंग पॉइंट में लगा दिए हैं, तो खाली हो रही है, और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है यहाँ पर, कुछ बोला नहीं जा सकता भाई, देख रहे हो पूरा गर्मी बहुत है यहाँ पर भी यार, बाकी खाली हो रही है, फिर उसके बाद में देखते हैं लोडिंग का कहाँ मिलता है हम लोगों को, है ना। तो दोस्तों अभी गाड़ी में भी बैठे हुए हैं, और बाकी घर से भी खाना लेके आए थे, तो अभी भूख तो लग नहीं रहा है, लेकिन इसमें चावल है, खोल रहा हूँ नहीं खुल रहा है, और वहाँ पर सब्जी रखी हुई है जो कि भाजी भरा है, भाजी भाजी क्या भाजी है मेरे को पता नहीं है। बाकी देख सकते हो यहाँ पर अपना शॉप बढ़िया सा है, यहाँ पर भोले बाबा, यहाँ पर गुड्डा गुड्डी लगा हुआ है, बाकी हमने नया जैक भी लिया है, ये देखो 75 टन तक का इसका कैपेसिटी है उठाने का, ये वाला ले रखा है हम लोगों ने, बढ़िया है। और बाकी ये वाला भी हम लोगों ने भाई घर से उठा के ले आया, बढ़िया, और बाकी ये सब है ओढ़ने ओढ़ने के लिए काम देगा। ऐसे तो अभी गर्मी है, तो पंखा एक मिनट बंद कर देता हूँ, गर्मी है तो ओढ़ने का काम नहीं देगा, कभी कभी मच्छर काटता है तो ओढ़ने में ठीक लगता है ना। और बाकी इसका स्टेयरिंग देख सकते हो, मैंने इसको इधर कर दिया है, नहीं तो ये ना भाई पूरा ऊपर साइड में रहता है, एकदम खड़ी टाइप का रहता है, आप लोगों को पता ही होगा जो टाटा का गाड़ी चला रहे होंगे, और टाटा का गाड़ी बेस्ट गाड़ी है मेरे हिसाब से, तो सब गाड़ियों से बेस्ट गाड़ी टाटा ही है, एक नंबर, घाट पहाड़ के लिए भी बहुत बढ़िया गाड़ी है। अभी इसी का ही डबल केबिन आया है, 1916 है कि क्या है, इसी का डबल केबिन आया है, वो वाला भी गाड़ी बहुत ही बढ़िया है, और वो वाले गाड़ी भी बहुत जल्दी आ जाएगा, वाला भी गाड़ी बहुत जल्दी आ जाएगा अपने पास में, उसके बाद में हम वो डबल केबिन वाला चलाएंगे बढ़िया, और हो सकता है अजीत भाई इस वाले को चलाए, कोई पता नहीं है। बाकी अंदर से देख सकते हो दो जने के लिए ठीक है जगह, सोने के लिए बन जाता है, बाकी अभी बर्तन वगैरह कुछ रखे नहीं है, तो खाना पीना का कुछ जुगाड़ नहीं है, अभी होटल पे ही चलेगा हम लोगों का खाना पीना,
बाकी व्यापार विहार में लगा दिए लाके, और पीछे वाला जो ये है ना इसका पीछे का पूरा निकल गया है मेरे ख्याल से, जो रहता है ना गद्दा टाइप का लगा रहता है निकल गया है। तो पीछे में सोच रहे हैं ना ये वाला जो है ना इसी को बढ़िया पीछे में लगा देते हैं और एक नया वाला और लेके यहाँ पर बिछा देंगे, ऐसे का एक सोच रहे हैं ये दोस्तों। बाकी क्या कहते हैं इसका भाड़ा वाड़ा क्या है यहाँ का, आरंग से यहाँ का क्या भाड़ा है आप लोग को भाई मैं बताऊँगा लास्ट में। और बाकी आप लोग कमेंट करना, और आप लोगों का एक ठो कमेंट आ रहा है कि पिछला वाला गाड़ी को क्यों छोड़ दे जो शाम चलते थे, वो वाला गाड़ी थोड़ा सा मजबूरी की वजह से छोड़ा, उसके लिए फुल कमेंट करो, भर भर के कमेंट करो। उसके बाद में मैं क्या कहते हैं इसका एक ठो वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ क्या परेशानी थी मेरे को, ठीक है। बाकी खाली हो रहा है भाई अजीत भाई? खाली तो हो रहा है भाई, लेकिन जिधर भाई उधर का उतार रहे हैं बस। तो फिर वैसे में और ऐसे में कम होगा फिर तो गिनती करने नहीं बन रहा है क्या? गिनती करते ही नहीं बन रहा है। अरे यार देख भाई देख उधर जा कहीं से भी उठा दे रहा ना भाई, लाइन लाइन थोड़ी ना उतार रहा। तो एक एक ठोको गिनती करते जा, ये तो बात है तीन आदमी लगे हुए हैं गिनते नहीं बन रहा है ना। अरे यार ऐसे में प्रॉब्लम हो जाएगा भाई, जितने का भाड़ा नहीं है उतने का फिर कट जाएगा, समझ रहा है? यहाँ पर ऐसे भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते रहता है, देखते हैं चलते हैं खाली वाली करवाते हैं फिर क्या होता है क्या नहीं होता है आप लोगों को बताते हैं, कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहो। तो दोस्तों अभी गाड़ी हम लोग कितनी खाली हो गई जी भाई? आधा से कम हुआ है अभी, अभी आधा से कम हुआ है मतलब चार कोना का एक कोना खाली हुआ है, तीन कोना बचा हुआ है ना। हाँ तो अभी खाना खाने का ही टाइम हो गया, भूख लग रहा है, निकालना जरा इसको खोलना। ओ भाई साहब अचार है और चावल, चावल इसमें पता नहीं क्या, कौन सी सब्जी है मेरे को खुद पता नहीं है, भाजी है लेकिन कौन सा भाजी है पता नहीं है, खुल नहीं रहा अजीत भाई मेरे को पता है। चनोरी भाजी क्या? नहीं पता भाई मेरे को नहीं पता। तो अभी खा लेते हैं भाई गर्मा गर्म खाना, क्योंकि गर्मी के दिन में गर्म ही हो जाता है ना। चल भाई निकाल अजीत भाई इसमें अपने लिए, मैं बासी बोर के खाऊंगा भाई। तेरा गमछा भाई घर पे छोड़ के आ गया तू, ये लेते गमछा पूछ ले इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चल खाना निकाल यार। मैं तो दोस्तों बढ़िया बासी बोर के खाऊंगा क्योंकि चावल एकदम गर्म हो गया है और मस्त पानी ठंडा है, इसको बोर लेता हूँ अच्छी से और खाता हूँ, मस्त मस्त लगता है। और ये देख सकते हो यहाँ पे आम का अचार रखा हुआ है दो ठो, मम्मी ने डाल दिया था, और ये भाजी ठीक है टेस्टी है। तो बढ़िया चावल ठंडा हो गया है, मस्त खाता हूँ भाई आम का अचार। तो दोस्तों शाम के इस समय 5:30 बज चुके हैं, खाना पीना खा के उस समय आराम आराम कर रहे थे, और अभी 6 बज चुके हैं भाई, अजीत अभी सोया हुआ देख रहे हो क्योंकि गाड़ी खाली हुई नहीं है, और ऐसे भी तो नो एंट्री के बाद ही निकलेंगे 10:30 बजे के बाद में ही, गाड़ी देख सकते हो यहाँ पे पूरा लगा हुआ है, और अभी थोड़ा गर्मी कम हो गया है सही लग रहा है थोड़ा, ये देख सकते हो। तो देखते हैं गाड़ी कितना और खाली हो गया, मेरे ख्याल से सामने ही आ गया है, आवाज़ आ रहा है, तो देखते हैं खाली वाली होता है फिर उसके बाद में रुकना ही रुकना है हम लोगों को यहाँ पे 10:30 बजे के बाद में निकलेंगे। बाकी अजीत भाई देख रहे हो किस तरीके से सोया हुआ है। तो दोस्तों रात के इस समय बज चुके हैं 10 और गाड़ी हम लोग खाली हो चुकी थी, यहीं पर गाड़ी हम लोग खाली किए और ये देख सकते हो गाड़ी को साइड में लगा दिए, और 10 बज चुके तो सब गाड़ियाँ भी निकलना चालू हो गई नो एंट्री से, तो हम लोग भी अभी यहाँ से निकलते हैं, बाकी पहुँचते हैं अभी सीधा भी जाएंगे हम लोग फिर से आरंग लोडिंग करने के लिए है ना। तो अभी चलते हैं दोस्तों निकलते हैं यहाँ से। तो अभी निकल चुके हैं दोस्तों, 10:10 हो चुके हैं लगभग, तो अभी मेरे ख्याल से छोड़ देंगे है ना, चलते हैं पहुँचते हैं आरंग खाली वाली मतलब लोड उड करेंगे कल। इस तरह से आवाज़ आ रही है बहुत ही ज़्यादा, ये लोग कैसे नहीं जा रहे भाई, देखते पुलिस वाले सब तो नहीं रुकवाएंगे ना, क्या है टाइम तो हो गया है ऐसे 10 बजे तो छोड़ ही देते हैं। तो ये व्यापार विहार से दोस्तों निकल चुके हैं, देख सकते हो सिटी वाला एरिया बहुत ही बढ़िया था, और बाकी आप लोगों का जो कमेंट आया था कि कल के वीडियो में ये आपकी गाड़ी है या दूसरे की गाड़ी है, तो मैं बता देना चाहूँ दोस्तों ये अपनी खुद की गाड़ी नहीं है, मालिक की गाड़ी अभी चला रहे हैं, और आप लोगों का भाई सपोर्ट रहा तो ले भी सकते हैं है ना, तो आप लोगों का बात क्लियर हो गया होगा।
और नेक्स्ट वीडियो अपना क्या कहते हैं, वो वाली गाड़ी मैंने क्यों छोड़ा, उसका वजह उसका भी वीडियो आप लोग भाई कमेंट करोगे, अगर आज के ब्लॉग में अभी कमेंट करोगे तो उसका ब्लॉग मैं बनाऊंगा और बताऊंगा आप लोगों को क्या कारण की वजह से मेरे को छोड़ना पड़ा था, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ से अभी बिलासपुर से निकलते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया तो भाई लाइक कर देना, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। तो जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय दोस्तों।